नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा यहां की बदनाम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे जरूरी यह है कि वहां के शिक्षक हर तरीके से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में पात्र हो। इस कड़ी में अब शिक्षा विभाग ने BPSC को प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने का जिम्मा सौंपा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अब सीधे तौर पर प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षकों की बहाली कर सकेंगे। साथ ही उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी अब कमीशन की ही होगी। विभाग के इस प्रस्ताव पर 17 अगस्त को ही कैबिनेट की मुहर लगी है। इस फैसले के मुताबिक अब BPSC ही इनकी नियुक्ति करेगा। इसके तहत जल्द ही प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,892 हेड मास्टरों की सीधी बहाली होगी। इनमें से प्राथमिक स्कूलों में 40,558 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि उच्च माध्यमिक स्कूलों में 5,334 खाली पदों पर प्रधानाध्यापक बहाल किए जाएंगे। इस फैसले में कई खास बातें हैं। पहला ये कि प्राथमिक स्कूलों में पहली बार प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह जिम्मेदारी अभी तक में सबसे सीनियर शिक्षकों की होती थी। दूसरा यह कि अब निजी स्कूल के शिक्षक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर बहाली के लिए BPSC के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 100-100 नंबरों के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इस संवर्ग में चयनित हुए हेडमास्टरों के लिए वेतन भी अलग से जारी किया जाएगा। इसके लिए BPSC के द्वारा इसी शैक्षणिक सत्र में आवेदन मांगे जाएंगे। बता दें कि इन पदों के लिए होने वाले परीक्षा के लिए भी अलग से पात्रता रखी गई है। पहली से पांचवी तक के स्कूलों में प्रधान शिक्षक बनने के लिए आवेदन वही दे सकते हैं जिनके पास सरकारी विद्यालयों में 8 साल पढ़ाने का अनुभव हो। दूसरी तरफ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर बनने के लिए 8 साल तक किसी सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही निजी स्कूलों जैसे कि CBSE, ICSE बोर्ड में 12 साल पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षक भी प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के शिक्षकों के लिए समान रूप से नियम लागू होंगे। प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक को जिला कैडर से ही चुना जाएगा, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमंडल कैडर से सिलेक्शन होगा। साथ ही नियोजित शिक्षक भी इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। चयन होने के बाद नियोजित शिक्षक का नियोजन खुद ही खत्म हो जाएगा और वे सीधे राज्य सरकार के अधीन आ जाएंगे। सरकार का यह फैसला नियोजित टीचर के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। मिली जानकारी के मुताबिक इन पदों के वेतन संरचना में भी बदलाव होगा और नया वेतन स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। इससे ज्यादा टैलेंटेड शिक्षकों का रुझान इस ओर बढ़ेगा। वहीं जहां पहले से हेडमास्टर काम कर रहे हैं, वे अपने पद पर काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश सरकार का यह कदम सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का माहौल बनाने की दिशा में कारगर होगा। आयोग की परीक्षा से बहाल होने पर शिक्षकों की मेरिट का भी पता चलेगा। साथ ही योग्य शिक्षक जमीनी स्तर से जुड़कर स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।